हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास सिक्स का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर मौर्य वंश और राजा अशोक। तो इनका कार्यकाल कितने से कितने टर्म तक था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। भारत के राष्ट्रध्वज को हमने लहराते देखा हुआ था, देखा है केसरिया सफ़ेद और हरे रंग से सजे तिरंगे के बीच बना हुआ जो चक्र होता है अशोक, बहुत सुंदर दिखता है। यह चक्र कहाँ से आया? तो ये जो अशोक चक्र है वो इस चैप्टर से ही हमें पता चलेगा कि वो चक्र कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये भारत का अशोक चक्र है और इसके नीचे ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यह चक्र लिया गया सारनाथ स्तंभ से, जिसे मौर्य वंश के प्रसिद्ध राजा अशोक ने बनवाया था। आमतौर पर इतिहास में उन राजाओं को महत्व मिलता है जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते, लेकिन अशोक की सबसे अलग कहानी है क्योंकि उसने युद्ध की जगह धर्म के रास्ते चलकर लोगों के दिलों को जीता। दया, प्रेम और करुणा को उसने अपने शासन का आधार बनाया। ठीक है, तो देखते हैं अशोक चक्र में कितनी धारियाँ होते हैं। तो हम राजा अशोक के बारे में बहुत सी बातें बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की, जो मौर्य वंश में अशोक से पहले आया। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया चाणक्य की सहायता से। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार आया, फिर उसके बाद अशोक आया। तो इसमें लिखा हुआ है कि अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य वीर और साहसी थे। चाणक्य एक बुद्धिमान पंडित था जिसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया। उत्तर और पश्चिम के कई हिस्से को जीतने के अलावा सिकंदर ने सेल्यूकस को भी हराकर यूनानी राजाओं को आगे बढ़ाना रोक दिया। बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से मित्रता कर ली और मेगास्थनीज नामक राजदूत उसके पास भेजा। चाणक्य ने क्या एक पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। ठीक है, इसी समय मेगास्थनीज ने भारत में कुछ देखा जो उसने अपनी पुस्तकों में, जो उसकी पुस्तक थी इंडिका, उसमें लिख दिया। जो उसने लिखा, जो भारतीय थे वे सभ्य थे। वे अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, अधिकतर गांव में रहकर खेती करते थे। सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार आया। अब बिंदुसार ने क्या किया? दक्षिण के हिस्से को जीता और राज्य को और बड़ा कर दिया। बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक आया। ठीक है, इस समय मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और शक्तिशाली हो चुका था। अशोक ने अपने पिता की तरह वीर और साहसी था। उसने कलिंग नामक स्वतंत्र जनपद के साथ युद्ध किया और उसे हराकर अपने राज्य में मिला दिया। फिर क्या होता दोस्तों? ये कलिंग युद्ध के बारे में थी। तो कलिंग युद्ध क्या था? अशोक ने जीता, लेकिन उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए, हजारों घायल हो गए, हजारों स्त्री बच्चे जो थे बेघर हो बेसहारा हो गए। अब उसे युद्ध में मिली सफलता उसको बेकार लगने लगी। तभी उसने संकल्प लिया कि अब युद्ध नहीं करना है। उसने यह भी निश्चय किया कि हथियारों से शत्रु को हराने की जगह धर्म के रास्ते चलकर लोगों के दिलों को जीतना है, जिससे लोगों की भलाई हो सके। इस भावना को प्रजा तक पहुंचाने के लिए उसने कई चट्टानों पर खुदवाया। पहले क्या करते थे? जिसको जो बात करनी थी लोगों से, तो वह क्या करते थे? चट्टानों में खोद ठोक ठोक के उसमें खुदवाते थे। तो राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग जीता, ये जो उसने लिखवाया था, मतलब चट्टानों से खोद खोद कर ये उसकी बातें कही गई। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि यह एक आज़ाद जनपद हराया जाता है। वह लाखों लोग मारे गए, वहाँ बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए गए, वहाँ रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु मारे गए, ऐसा पूरा उसने जो डब्बे में बने उसने उसे लिखवाया था। फिर आगे हम देखते हैं अशोक का धर्म। अशोक के धर्म में ना तो कोई देवी देवता थे, ना कोई व्रत था, उपवास था, ना तो यज्ञ था। धर्म का पालन करने के लिए पूजा तक की कोई बात नहीं कही थी। ना तो व्रत उपवास, ना तो देवी देवता की पूजा, कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। दरअसल कलिंग युद्ध के भयंकर विनाश ने अशोक की सोच को
काफ़ी बदल दिया। उसने अपने व्यवहार अपनी प्रजा के लिए वैसा ही था जैसे पिता का अपने संतान के प्रति। अशोक जब लोगों को झूठ बोलते, गलत आचरण करते और धर्म के नाम पर आपस में संघर्ष करते देखता तो उसे बहुत दुखी होता। उसने इन बातों पर विचार किया और राजा होने के कारण उसकी यह जिम्मेदारी प्रजा को सही राह दिखाई। इस काम के लिए उन्होंने द महामात नामक अधिकारी रखे जो गांव गांव नगर नगर के दौरा कर प्रजा को सही जानकारी देते थे, फिर व्यवहार की बातें बताते थे। दूर दराज के क्षेत्र में यही बातें उन्हें पत्थर के स्तंभ और चट्टानों पर खुदवाए जाते थे। ये सब जो बातें हैं, ये चार बातें, ये उन्होंने पत्थर पे खोद के लिखवा। यहाँ किसी जीवों को नहीं मारा जाएगा, किसी की बलि नहीं दी जाएगी। अब जो बलि दी जाती है, तीन जानवर मारे जाते हैं, दो मोर और एक हिरण। भविष्य में उनको भी नहीं मारा जाएगा। अपने माता और पिता की आज्ञा मानना अच्छा है। लोग विभिन्न अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं, ऐसे धार्मिक संस्कारों को तो होना ही चाहिए, इससे मिलने वाले लाभ कम ही हैं। अपने धर्म के प्रचार में संयम से काम लेना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना या दूसरे धर्म की बुराई करना दोनों ही गलत हैं। फिर अशोक की शासन व्यवस्था देखते हैं। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने बड़े राज्य पर शासन करना आसान नहीं था। शासन में उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद था। विशाल राज को देखभाल के लिए उसके चार प्रांत में बांटे गए थे। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरि, पूर्व में तोसली और पश्चिम में उज्जैनी। इन नगरों को उसके आसपास के इलाकों को देखभाल के लिए राजकुमार करते थे। उस अनेक अधिकारी और कर्मचारी उसके सहयोग देते थे। वे कर्मचारी गाँव और शहरों में व्यवस्था को संभालते थे। किसान, कारीगर, व्यापारियों से लगान वसूल करते और राजा की आज्ञा का पालन न करने वाले को दंड देते थे। उसके अलावा उसने कुछ बड़े अधिकारी भी थे जो महामात्र कहा जाता। ये राजभर का दौरा करते और शासन का काम देखते थे। इतना ही नहीं, प्रजा के सुख दुख को जानने और अधिकारियों के काम पर नज़र रखने के लिए अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर के गाँव का दौरा करता। तो उसने लोगों की भलाई के लिए कई सड़कें बनवाई, छायादार फलदार वृक्ष लगवाए, अस्पताल और धर्मशाला बनवाए और कुएं खुदाए। अभी तक हमने मतलब जो पहले देखा था उसमें क्या था, ऐसे मतलब जो किसान होते थे उनसे केवल ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना उनका था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना है और राजा को देना है, ये उनका मकसद होता था। पहले जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों का भी यही कहना था, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लगान वसूलने थे। फिर उसके बाद जब अशोक ने आया तो उनकी जो थी वो पूरी अलग थी। वे राजा को सुख दुख को जानते थे, उनकी सहायता करते थे, ये सब हुआ। अब ये क्या है, ये उसके जो चार स्तंभ हैं उसके बारे में बताया गया। तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और तोसली, ये सब जगहों के नाम बताए गए हैं। और एक और जगह था सुवर्णगिरि, ये उसके चार स्तंभ थे और ये पाटलिपुत्र हैं। फिर उसका जो क्षेत्र है वो यहाँ तक पूरा फैला हुआ, इसके यहाँ तक, फिर इसके यहाँ तक, फिर पूरा ऊपर तक। फिर आगे देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था लेकिन सभी धर्मों को आदर सम्मान करता था। वैसे भी धर्मों की बात सुनना उनका सम्मान करता था और सभी को दान भी देता था। अशोक कलाकारों को भी आगे बढ़ाने में मदद करता था। भारत सरकार के नोटों और कागजात पर जो चार चिन्ह वाली जो मूर्ति दिखाई देती वो अशोक के समय की हैं। सारनाथ और दूसरी जगह से प्राप्त स्तंभ और मूर्तियाँ कला के ऐसे नमूने जो हमें आज भी अशोक की याद दिलाते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि अपनी पिछली कक्षा में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ा, जहाँ पे चार सिंह वाली मूर्ति के सिंह में बैल, घोड़ा, 24 तालियां या धारियां वाली चक्र की आकृति बनी हुई है। सिंह को शक्ति का, बल को श्रम का, सिंह को शक्ति का बल को श्रम का और घोड़े को ऊर्जा और गति का और चक्र को निरंतर कार्य और प्रगति का प्रतीक माना है। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि वह सत्य की जय होती है।
अशोक के बाद मौर्य वंश 50 वर्षों तक चला, उसके बाद उसके स्थान पर छोटे छोटे राज्यों ने ले लिया। ठीक है, जो राजा अशोक की दया प्रेम और शांति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना के कारण उसने सारनाथ स्तंभ शीर्ष को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ।